हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अवनि अरोरा। हाय गाइस, हाउ यू गाइस डूइंग टुडे? तो हाँ, मॉनसून सीजन चल रहा है और मॉनसून सीजन में तो बालों की और चेहरे की तौबा तौबा हो ही जाती है। मतलब बाल तो ऐसे गिरते हैं ना जिसकी कोई गिनती ही नहीं, और चेहरे का भी बुरा हाल हो जाता है। जिनकी स्किन ड्राई है वो और ड्राई पे ड्राई होती जाती है, और जिनकी स्किन ऑयली है मेरी तरह उनकी और ऑयली ऑयली होती जाती है। और अगर ऑयल निकलेगा, तेल निकलेगा, तो एक्ने तो होंगे ही। एक्ने, डार्कनेस, डलनेस, ये मॉनसून सीजन में तो रहता ही है। बट थैंकफुली इस बार ना मैंने एक पर्टिकुलर रेंज मतलब ट्राई करी और मॉर्निंग एंड नाइट उसको अच्छे से फॉलो किया। कितना भी आलस आ रहा हो, कितनी भी सुस्ती आ रही हो, कितना भी थकी हुई, अगर वो करना है स्किन केयर फॉलो तो करना ही है। तो इस बार मैंने रेंज ट्राई करी पिलग्रिम्स की, और आप सभी को पता है पिलग्रिम्स की तो फैन मैं हूँ ही। मैं जब भी कोई स्किन केयर दिखाती हूँ पिलग्रिम्स उसमें रहता ही है, वो ब्रांड रहती है। सो अभी भी कैसे मतलब मैं यूज़ ना करती, तो इस बार मैंने ना पिलग्रिम्स की रेंज ट्राई करी, एंड दैट इज़ फ्रॉम सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड। एंड जेजू आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ साउथ कोरिया, और साउथ कोरियन की स्किन तो अमेजिंग रहती ही है। और साथ में ना लाइक मुझे ना पिलग्रिम्स एक बार बहुत अच्छी लगती है, दैट दे आर पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, प्लास्टिक पॉजिटिव, पीटा प्रूफ, और साथ में दे आर मेड इन इंडियन ब्रांड, तो दैट इज़ रियली रियली ग्रेट। और साथ में दे ब्रिंग्स वर्ल्ड ब्यूटी फॉर यू, दैट मीन्स कि वो दुनिया भर से उनके जो जो भी स्किन केयर एकदम क्यों लाइक सीक्रेट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं विद देयर अमेजिंग प्रोडक्ट्स। तो हाँ, अभी मैंने बहुत बातें कर ली, अब मैं आपके साथ अपनी वो रेंज शेयर करती हूँ कि मैं क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, क्या करती हूँ। और इवन मैं अगर अभी बताऊँ ना, अभी मैं बिल्कुल बेयर स्किन हूँ, मतलब मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, मतलब कुछ भी नहीं कर रखा, जैसे एक लिपस्टिक अप्लाई कर रखा, और मैंने चेहरा भी आई गई सुबह धोया था और अभी शाम हो रही है, और अभी भी स्किन से मतलब ऐसा तेल वेल तो नहीं निकल रहा, कभी सही हो रही है। तो हाँ, ये रेंज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, प्लीज़ उसको ट्राई करना, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताना कि ये इफेक्टिव निकली, आपकी स्किन पे सूट हुई या नहीं हुई। सो अपने कमेंट ज़रूर शेयर करना। तब तक हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So I start with Volcanic Lava Ash Face Wash. It acts as a dirt magnet for your skin. It penetrates deep and unclogs pores. It has dew that dries out active acne and reduces breakouts. While it also has white lotus, it purifies the skin and making it fresh and vibrant. And all the ingredients, directions and everything is written down in the packaging so that you know what you are using. And I take generous amount on my palms and do little bit of massage, and it doesn't lather much, that means it has no sulfate and it cleans gently. Like this face wash na is really mild on your skin, और इसको use करने के बाद ना इस चीज़ से एकदम refreshing सा feel होता है। और even ये face wash ना मैंने अपनी एक video बनाई थी 3 favorites from pilgrims, उसमें भी share किया था। तो this face wash ना is really thumbs up from my side. So after face wash, I use niacinamide and alpha arbutin skin clarifying serum with camellia. So this serum has been crafted to reduce the appearance of acne scars, spits and dark spots. Niacinamide fades away the acne marks, alpha arbutin repairs scars and pits, camellia and tripeptide regulate sebum production and prevent future breakouts. So one thing you have to keep in mind while using this, that apply just 3 to 5 drops to clean and dry skin before cream, oil or any moisturizer, and do not massage, just to dab with your fingers. So after applying serum, I use this Pilgrim's Oil Free Gel Moisturizer, और ये I guess मेरा 4th या 5th bottle है। मैं इसको कंटिन्यूसली यूज़ करती आ रही हूँ, लाइक विंटर्स में भी, समर्स में भी, अब मॉनसून में भी। और हाँ, लाइक अगर आप इस सीरम को दिन में लगाते हो तो दिन में लगाने के बाद एक हैवी अच्छा सनस्क्रीन लगाना। मैं अभी पिलग्रिम्स का रेड वाइन, सीक्रेट्स ऑफ रेड वाइन SPF 30 वाला मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ जब मैं इसे दिन में लगाती हूँ। और अब जैसे मैं नाइट में लगाऊंगी तो इसको लाइक मैं सीरम और सीरम के बाद ये वाला मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। लेकिन अगर दिन में लगाओ ना तो लाइक SPF वाले अच्छी एक सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ, और जब आप नाइट में लगा रहे हो देन ठीक है, नाइट में उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाओ। यस, आई हैव अ कूपन कोड फॉर यू गाइस टू टू गेट दैट एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट। लाइक डिस्काउंट किससे अच्छा नहीं लगता, एंड आई विल मेंशन दिस कूपन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू। दिस ऑयल फ्री जेल मॉइस्चराइजर इज क्राफ्टेड फॉर ब्लेमिश प्रोन स्किन। द ऑयल फ्री फॉर्मूला हाइड्रेट्स द स्किन विदाउट क्लॉगिंग पोर्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ग्लिसरीन हाइड्रेट्स एंड मॉइस्चराइज योर स्किन। इट ऑल्सो हैज विलो बार्क दैट सूट्स वाइल नियासिनामाइड मिनिमाइज द अपीयरेंस ऑफ पोर्स। तो बस हो गया आपका स्किन केयर, लाइक कितना ईजी है ना, जस्ट 3 and 4 steps। अगर आप मॉर्निंग में यूज करते हो तो 4 step, लाइक फेस वॉश किया, देन सीरम लगाया, सनस्क्रीन लगाया, देन मॉइस्चराइजर लगाया, एंड गुड टू गो। लाइक अगर आप सुबह मॉर्निंग एंड देन नाइट दोनों टाइम एक अच्छे से स्किन केयर फॉलो करते हो, अच्छी रेंज यूज करते हो ना, फिर देन ये दानों वानों को और डलनेस का कोई झंझट ही नहीं रहता। तो हाँ, लाइक ये थी मेरी फेवरेट स्किन रेंज, और मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ, तभी मुझे मेरी स्किन अब थोड़ी शाइनी शाइनी और अच्छी सी लगती है। तो डू कमेंट बिलो योर पिलग्रिम्स फेवरेट प्रोडक्ट, एंड आई विल सी यू अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।